हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज महेंद्रगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि SYL का पानी उनका हक है और केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर इस मांग को पूरा करवाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर हर कदम पर साथ है। वहीं उन्होंने कहा कि जो हरियाणा 2014 में विकास में नंबर 1 था, वो आज अपराध व बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। वहीं IMT खुड़ाना को लेकर बोले कि इस सरकार ने 9 साल में कोई भी कार्य नहीं किया। दक्षिण हरियाणा है, यहाँ पहुँचे हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स है? सारा यहाँ एक है, दक्षिण उत्तर पश्चिम कोई भी हो सारा है। और यहाँ से हमारे राहुल गांधी जी विधायक हैं और अच्छा आपके जो रुझान है पूरे हरियाणा का, वो 2024 में कौन सी सरकार बनने जा रही है। सर, जिस तरह से SYL का जो मामला है, चुनाव के समय ये उजागर हो जाता है, उससे पहले इसमें कोई चर्चा नहीं? नहीं, चुनाव समय जो हमारे समय में हो गया था, लेकिन ये जो है मैं कई दफे कह चुका कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनली अटेंड कर चुका है। अब जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है और ये जो हरियाणा सरकार को दबाव देना चाहिए, और जो भी ये कदम उठाएंगे हरियाणा के हित में, हम इनका कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे हर काम के प्यार। ये तो मतलब एक जो नहर खोदी थी हमने यहाँ से BML हाथी बुटाना, जो इस इलाके में पानी लेके आता, उसका ही कहीं एवोकेट किया इस तरह से सरकार से 9 साल तक कोई परसू नहीं किया। इसी प्रकार से SYL में सुप्रीम कोर्ट में ये कहना कि जबकि फैसला फाइनल हो चुका था, अटेंड कर चुका था कि बातचीत हम करेंगे, बातचीत क्या करना, फैसला है, हम अपना किसी का हिस्सा थोड़ा ही ले रहे हैं, अपना अधिकार है हमारा वो ले रहे। जिस तरह से ग्रुप बी का एग्जाम है कल का और कुछ एक सेंटर दूर कर दिया है, ग्रुप बी का जो एग्जाम है सेंटर कुछ एक दूर कर दिए गए, जैसे क्या सेंटर दूर कर दिए गए विद्यार्थियों के? देखिए ये तो ये पेपर लीक कर देंगे, कितने उसके पेपर लीक हो जाते हैं, सरकार की कोई नीयत नहीं है लोगों को नौकरी देने के लिए। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, रोजगार देने में कानून व्यवस्था में 2014 में नंबर 1 प्रदेश था पूरे देश में, आज किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में, महंगाई में और अपराध में ऊपरली 2-3 स्टेटों में आ गया। हमने डिक्लेयर करी थी 9 साल तक की सरकार ने कुछ नहीं किया। आज स्टार्ट हो गया।